हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भावना की अपनी रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं उबले हुए अंडे की बहुत ही यूनिक रेसिपी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, गेट स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इसके लिए हमने लिए 6 उबले हुए अंडे और एक बारीक वाला कद्दूकस। अब हम इससे अपने अंडों को कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से धीरे धीरे। देखिए सारे अंडे को कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से। अब दूसरा अंडा लेंगे, उसको भी सारे अंडों को इस तरह से कस लेंगे हम। देखिए हमारे अंडे कस चुके हैं, कुछ इस तरह का टेक्सचर आया है हमारे अंडों का, बिल्कुल लग रहा है ना चावल जैसे। आप इसे चावल की बिरयानी भी कह सकते हैं। अब हम लेंगे 2 बड़े साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर, 2 बड़े साइज़ की प्याज लेंगे, इसको हम लॉन्ग साइज में कट कर लेंगे, 1 कटोरी हरी मटर लेंगे और 4 से 5 हरी मिर्ची लेंगे, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। चलिए चलते हैं गैस के फ्लेम की तरफ। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में अब हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे, इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। अब इसमें लॉन्ग साइज में कट की हुई प्याज डालेंगे, प्याज को थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। देखिए बीच में इसको चला देंगे हम। गैस को लो टू मीडियम रखना है। देखिए हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हरी मिर्ची डालेंगे बारीक कटी हुई। अब बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। अब डालेंगे हरी मटर। इससे हमारी रेसिपी का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा, टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छे से सभी को मिला लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 बड़ा छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे हम। मैं इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। देखिए सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं। अब इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। वाह कितना अच्छा कलर आया है, मसाले हमारे भुन चुके हैं। देखिए मटर भी हमारी पक चुकी हैं। अब इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें हम अपने अंडे ऐड करेंगे कद्दूकस किए हुए। देखिए बिल्कुल लग रहे हैं ना कि चावल हों, लेकिन आपको पता नहीं है चावल नहीं है, अंडे हैं। वाह कितना अच्छा फ्लेवर आया है। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, अंडा बिरयानी या उबले हुए अंडे की भुजिया, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। आप रोटी या पूड़ी के साथ खाइए, वाह टेस्ट कुछ अलग ही आएगा। कितने अच्छे से बनकर, एक बार प्लीज़ रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना।
अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना। देखिए हमने सारे मसालों को मिक्स कर लिया है। हमारी रेसिपी तैयार है।